क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 अंकों की 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए, जो 16 से, 18 से, 24 से और 30 से, इन सब से, ठीक है, डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, रिमाइंडर ना है। मतलब 5 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर बताना है, जो 16 से, 18 से, 24 से और 30 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, इन सब का जो है सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम इसका निकालेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 16, 18, 24 एंड 30, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 16, 18, 24 और 30 का सबका डिवीजन मेथड के द्वारा जो है यहाँ पे एलसीएम फाइंड किया जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 जो है 8 टाइम्स में, 18 9 टाइम्स में, 12 टाइम्स में 24 हो जाएगा, 15 टाइम्स में 30 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इसमें भी कुछ नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कर देंगे, 4 टाइम्स में 8, 9 डिवाइड नहीं होगा, 6 टाइम्स में 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 4 9 6 15। फिर से यहाँ पे दो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 9 नहीं होगा, 2 3 जा 6 और 15 भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर बचा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आया है वो आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, इससे फाइंड कर लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 720, यानी कि चारों नंबर का जो एलसीएम है वो है 720, 720 आ चुका है। लेकिन ये जो 720 आया है ये 3 डिजिट का आया है। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि 5 डिजिट का वैसा नंबर बताइए, छोटा से छोटा, जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है 5 डिजिट का छोटा से छोटा जो 720 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर वो 5 डिजिट का नंबर 720 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 16, 18, 24 और 30 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द लिस्ट 5 डिजिट, लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30, जो सब इन सब से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसा 5 डिजिट का नंबर हमको नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नंबर आया है 720, बट 720 इज 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 720 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना होगा, लिखेंगे यहाँ पर द लिस्ट 5 डिजिट नंबर जो है हमको क्या है, यहाँ पर जो द लिस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 के ऊपर 4 टाइम्स 0। ठीक है, यानी कि 10,000 जो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो अब इसको डिवाइड करना है 720 से, 720 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पर 720, माइनस कर देंगे आ जाएगा यहाँ पर 280, माइनस करके यहाँ से एक और 0 आ जाएगा 2800, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करके यहाँ पे आता है 2160। ठीक है, रिमाइंडर जो यहाँ पर हो जाएगा 640, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, लेकिन रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर जो है वो हम लोग को पता चल चुका है कि क्या होगा। देखिए, इसमें माइनस कर देंगे ना 640 को, इसमें 10,000 में, तो जो नंबर जो आएगा वो 4 डिजिट का नंबर आएगा, बड़ा से बड़ा, जो कि इन सारे नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 720, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 720, माइनस कर दीजिए, माइनस करके यहाँ पे, सॉरी 720 नहीं, माइनस करना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो माइनस करना 640, अगर इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 9360, क्योंकि 9360 एक ऐसा नंबर है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, जो उन चारों डिजिट से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 16, 18, 24 और 30। लेकिन हमको 5 डिजिट का लिस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है? तो 5 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सो द लिस्ट 5, द लिस्ट 5 डिजिट नंबर, लिस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे, 720 से करना है हमको डिवाइड, तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, जितना भी यहाँ पे नंबर जो आया है 9360, सबसे बड़ा डिजिट है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो डिविजिबल है, तो इसमें आपको 720 को प्लस कर देना है, 720 से प्लस कर देंगे तो ये 4 डिजिट से 5 डिजिट में चला जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा 1,00,80, सबको प्लस करने के बाद, और ये जो नंबर है ये नंबर डिवाइड हो जाएगा चारों नंबर से, 18, 25 जो भी दिया हुआ था सारे नंबर से जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसको इस तरह से आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।